हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नए व्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो गाइस, जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं डेली बेसिस पे नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन बाद मेरा एक ब्लॉग यूट्यूब पे जरूर आता है। तो आज है रमजान का 3रा दिन और हम लोग उठे हैं सहरी खाने के लिए, तो रोजा हम लोग रख ही रहे। तो अभी बज रहे हैं 4, तो कुछ सामान हमारे रूम पे अवेलेबल है तो कुछ सामान हमारे रूम पे अवेलेबल नहीं था। उसके बेस पे मेरे रूममेट गए हैं बाहर सब्जी लेने के लिए ताकि हम लोग सहरी में कुछ सही सा खा सकें। तो बहुत ही ज़्यादा पाक और बरकत वाला महीना चल रहा है, तो इसमें इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको 30 रोज़े रखने की तौफीक अदा फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। तो गाइस, अभी मैं जो है दूध खोला रहा हूँ और दूध जैसे ही खोलता है और जैसे ही मेरे रूममेट आते हैं तो मैं उनके साथ बैठ के सहरी खाऊंगा, उसके बाद हम लोग फजर की नमाज अदा करेंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो यही है कि मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि सहरी में मैंने क्या क्या चीज़ खाई और हम लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए, वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस, व्लॉग के साथ बने रहे। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और तब तक आप इंजॉय कीजिए गार्डन के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। लोगों ने जब शीशा खरीदा था तो ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया था, हटता ही नहीं है, शक्ल ही नहीं दिखती, तो साइड से दिखाना पड़ता है। तो आपको मैं अपने रूम की विज़िट कराता हूँ और अपने किचन की विज़िट कराता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा किचन है। अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने बहुत फैला रखा है क्योंकि हम लोग सहरी वहरी और रोज़ा इफ्तारते हैं, तो सामान वामान सब ऐसे ही रख देते हैं। ये हमारा किचन है और यहाँ मैं दूध खोला रहा हूँ और ये सामने की तरफ ये हमारा रूम है जहाँ आप देख सकते हैं आप आपका भाई सो रहा है और यहाँ पे हम लोग लेटते हैं। तो ये सारा हमारा रूम का एरिया है। रूम के जस्ट बाहर ही हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा यहाँ पे पार्क है और रात में तो कोई भी नहीं डलता पार्क में, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा पार्क है। सामने वहाँ पे तिरंगा लगा हुआ था उसके ऊपर, तो उसको उतार दिया गया है, शायद उस पर नया तिरंगा चढ़ेगा। तो सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ पे व्यू, और आपको जब सनराइज़ देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा ही आपका मन उछल जाएगा, आई मीन देखने के लिए। तो आयल भाई हमारे नीचे से सब्जी ले आए हैं और ये ब्रश कर रहे हैं। तो आयल भाई जा रहे हैं नीचे लड़की ताड़ने के लिए क्योंकि नीचे इन्हें पता लगा है कि लड़कियाँ जो है टहल रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो हाँ टहल तो रहे हैं लेकिन बुज़ुर्ग लोग हैं। क्या यार, तुम भी कभी तो सुधर जाओ, जवान है, चल ठीक है, अब सहरी बनाते हैं, आ जा खा ले भैया, खा ले खा ले, फोन में लगा हुआ। दाल गोश रोटी कैसी हो गई तेरे मुंह के जैसी? हेलो बताइए कैसा है खाना? अच्छा, ज़्यादा नहीं कल 1 किलो कम पड़ गया था, ये ज़्यादा 1 किलो वाला यार। पानी भी है इसमें हल्का सा। क्या वे तो चलाते तू अपनी सहरी? पास ही तो चला रहा हूं साले, आराम आराम से। नौड़ी वाली नौड़ी कटवाए कटवाए ना आसिके सानिया आसिके सानिया त्यागी इन द जयपुर पूरा एड्रेस दे दो क्या चीज नहीं होनी चाहिए कोटे वाली गली होटल से आई थी 4:30 पर थी। फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? तो फिर कंबल क्यों भेज रहा है? मार्च के महीने में कंबल उड़े जा रहे हैं। उससे भी तू बात करेगा तो बात नहीं करूंगा, जाओ बात करी तो
तो हम लोगों ने खा लिया सहरी और अब हम लोग जो है यहाँ पे फजर की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद जो है सो जाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं सोया और आज से, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है। मैं समथिंग 11 बजे सोया था, उसके बाद से मैं सोया ही नहीं हूँ। तो हर बार की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि मैंने अभी रिसेंटली जल्दी ही ब्लॉग्स अपने बनाना स्टार्ट किए हैं, तो आपसे हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि जब मेरा ब्लॉग आए तो गाइस आई होप कि आप उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और गाइस प्लीज़ ब्लॉग को 2 से 3 मिनट तक ज़रूर देखें, और जो गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी कमेंट से और आपके सब्सक्राइब से और आपकी लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप 300 रमज़ान रखिए और 5 वक्त नमाज़ पढ़ लेगी, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।